Friends and welcome to my YouTube channel. In today's video we will talk about how to backup your WhatsApp data and how to transfer your WhatsApp data, and if you are fail in both these then what is the third option, what is the third possibility for you. तो सबसे पहले जी आपको मेन चीज़ें जो है वो आपको पता है कि अगर आप जो है वो अपने WhatsApp का बैकअप करना चाह रहे हैं आप उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है कि आपका बैकअप अकाउंट लगा हो. अब क्या होता है कि जब आप बैकअप के ऊपर आपने वीकली डेली या जो भी आपका सेट किया हुआ है आप बैकअप के ऊपर टैप करते हैं, काफ़ी ज़्यादा वेट करने के बाद भी आपको कुछ इस तरह का नोटिफिकेशन या एरर आ जाता है कि अनएबल टू बैकअप योर डाटा या कुछ भी आपको एरर जो है वो व्हाट्सअप दे रहा होता है. तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो मेन जो है वो छोटी छोटी चीज़ें आपने चेक कर लेनी है कि जो आपका गूगल अकाउंट आपने व्हाट्सअप के ऊपर ऐड किया हुआ है वही गूगल अकाउंट आपका लॉगिन भी हो और ड्राइव में भी वो लॉगिन हो, आपका जो गूगल प्ले सर्विसेज है वो इंस्टॉल्ड भी हो और अपडेट भी हो. उसके बाद आपका जो व्हाट्सएप है वो भी अपडेट होना चाहिए, आपके फ़ोन के ऊपर फ्री स्टोरेज भी इनफ होनी चाहिए और जो आपकी गूगल ड्राइव जिसके अंदर आप अपना बैकअप कर रहे हैं उसकी स्टोरेज भी होनी चाहिए. ठीक हो गया. उसके बाद जो है नंबर टू ऑप्शन में आपने ये चीज़ कन्फर्म करनी है कि आपका जो WhatsApp लिंक WhatsApp जो है वो Google Drive के साथ लिंक्ड है या नहीं. उसके लिए आपने क्या करना है, अपने ब्राउज़र में या PC में आपने लिखना है जी drive.google.com. अब वहाँ पे जो गियर का आइकन आपको नज़र आएगा उसके ऊपर क्लिक करके आप सेटिंग पे जाएंगे, सेटिंग पे जाके आप मैनेज ऐप्स के ऊपर जाएंगे और उस लिस्ट में से आप अपना WhatsApp फाइंड आउट करेंगे. अगर आपको वहाँ पे WhatsApp नहीं नज़र आता तो इसका मीन है इट मीन्स नो लिंक इज़ क्रिएटेड. ओके, उसके बाद इफ़ इट्स लिस्टेड बट सेज हिडन ऐप, अगर आपको वहाँ पे अपना WhatsApp नज़र आ रहा है लेकिन वो हिडन ऐप है तो आपने क्या करना है, उसको अनलिंक करना है और दोबारा से उसको रिकनेक्ट करना है. और रिकनेक्ट करने के बाद आपने अपने जो है वो WhatsApp बैकअप की सेटिंग पे जाना है, सेम जहाँ से हम बैकअप करते हैं वहाँ पे जाके अपना जो आपकी ID है गूगल की जिसमें आपका बैकअप जा रहा है वो दोबारा से उसके साथ अटैच कर देनी है और दोबारा कोशिश करनी है बैकअप करने की. अगर फिर भी बैकअप, और साथ में आपने ये भी देख लेना है कि जो आपका वाईफाई है जो आपका नेट है वो अच्छा होना चाहिए और आपने सेटिंग उसकी कर देनी है. जो गूगल ड्राइव की बैकअप की सेटिंग है वो डेली या वीकली कर देनी है और सेलुलर डाटा जो है वो अगर अलाउ करना है तो वो भी अलाउ कर देना है, अपडेट कर लेना है व्हाट्सअप को और आपने क्या करना है अपने फ़ोन को रीस्टार्ट कर लेना है. और इसके साथ बेहतर ये है कि आप अपना गूगल प्ले सर्विसेज है उसकी भी कैशी क्लियर कर दें और आपका जो व्हाट्सएप है इसकी भी स्टोरेज नहीं क्लियर करनी, आपने कैशी क्लियर करनी है. और इसके बाद भी अगर आपका बैकअप नहीं हो रहा और आपने अपना फ़ोन चेंज करना है, आपके पास ऐसा डाटा है आप चाह रहे हैं कि मेरा डाटा वेस्ट ना हो, तो सेकंड ऑप्शन भी आपके पास है. सेकंड ऑप्शन आपके पास ये है कि आपने अपने WhatsApp के ऊपर अपना जो न्यू फ़ोन है जहाँ पे आप अपना WhatsApp जो है वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं आपने सिंपली उस फ़ोन के ऊपर अपना WhatsApp क्रिएट कर लेना है सेम उसी नंबर पे जिस नंबर के ऊपर आपका पहले से WhatsApp है. जब आप क्रिएट कर लेंगे, क्रिएट करने के बाद आपको कुछ इस तरह से ट्रांसफ़र चैट का ऑप्शन नज़र आएगा, आपने सिंपली ट्रांसफ़र चैट के ऊपर क्लिक कर देना है. जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये QR कोड शो होगा, आपने क्या करना है अब अपने पुराने फ़ोन पे जाना है. पुराने फ़ोन में जाने के बाद आपने वहाँ पे QR स्कैनर ऐप अगर तो मोबाइल में है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है आपने उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है और QR स्कैनर से उस QR कोड को स्कैन कर लेना है. जब आप उस QR कोड को इस तरह से स्कैन कर लेंगे ये URL आपके पास आ जाएगा, आपने उस URL को ओपन करना है और इस पूरी प्रोसीजर में आपने ये ख्याल करना है कि आपके दोनों जो फ़ोन हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल करीब हों. नंबर टू, दोनों सेम वाईफाई के ऊपर कनेक्ट हों, जिस पे ओल्ड फ़ोन कनेक्ट है उसी के ऊपर ही आपका न्यू फ़ोन कनेक्ट हो. जब ये सारा प्रोसीजर आप कर लेंगे और QR कोड स्कैन कर लेंगे सिंपली आपकी जो चैट्स हैं जितनी भी हैं पुराने फ़ोन पे सारी की सारी नए फ़ोन पे ट्रांसफ़र होने लग जाएंगी. अब एक ये दूसरा प्रॉब्लम भी कुछ लोगों के साथ आ जाता है
मेरे सर्कल में ही एक जो थे उनका ना बैकअप हो रहा था ना ट्रांसफ़र चैट का ऑप्शन जो है वो काम कर रहा था। तो उसके बाद आपके पास तीसरा ऑप्शन क्या बचता है अपना व्हाट्सएप का डाटा सिक्योर करने के लिए? उसके लिए जो आपका तीसरा ऑप्शन है वो ये है कि आपका जो लोकल बैकअप है वो तो हुआ होता है, उसके लिए आपने सिंपली क्या करना है, आपने अपने फ़ोन के फाइल मैनेजर पे जाना है। फाइल मैनेजर पे जाने के बाद आपने इंटरनल स्टोरेज पे जाना है, वहाँ पे आपको ये एंड्रॉयड का बटन नज़र आएगा, एंड्रॉयड की टैब के ऊपर क्लिक करके आपने मीडिया पे जाना है। मीडिया पे जाने के बाद आपको इस तरह से व्हाट्सएप का नज़र आएगा, अपने व्हाट्सएप के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे डेटाबेस नज़र आएगा। डेटाबेस पे आपका जो रिसेंट डेटा है जो कि बैकअप नहीं हुआ वो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा। जैसे ये मेरे पास है तो ये देखें 25/7/2025 तक का लोकल बैकअप हुआ है। आपने सिंपली ये पूरा जो फोल्डर है इसको कॉपी कर लेना है, अपनी ड्राइव में बेशक कर लें या बेशक अपने पीसी में कर लें। आपने इसको अपने पीसी में कॉपी करने के बाद क्या करना है, इस पूरे फोल्डर को अगेन इसी जगह पे, अगर आपका व्हाट्सएप का फोल्डर न्यू फ़ोन पे नहीं बना हुआ तो आपने व्हाट्सएप का फोल्डर वहाँ पे क्रिएट कर लेना है। ठीक है, व्हाट्सएप का फोल्डर क्रिएट करने के बाद इसी जगह पे सेम डेटाबेस वाले के अंदर सेम इसी तरह से आपने चेक कर लेना, उसकी इंटरनल स्टोरेज में जाके न्यू फ़ोन की वहाँ पे आपने ये सारी चीज़ें जो है वो कॉपी कर दे, उधर से कॉपी करके अगेन अपने न्यू फ़ोन के अंदर आपने पेस्ट कर देनी है। पेस्ट करने के बाद आप आपने क्या करना है, अपना दोबारा जो है वो व्हाट्सएप फिर क्रिएट करना है। अगर आपका पहली दफ़ा में व्हाट्सएप क्रिएट नहीं हो रहा या आपका बैकअप नहीं हो रहा, आपका ट्रांसफ़र का ऑप्शन भी नज़र नहीं आपको आ रहा, वो भी काम नहीं कर रहा, तो इसका ये मतलब नहीं है आपका डाटा ज़ाया हो गया है। आपने सिंपली अभी अपने पुराने फ़ोन से व्हाट्सएप अनइंस्टॉल नहीं करना जब तक आपका नए फ़ोन पे सारा काम क्लियर नहीं हो जाता। अब आपने नए फ़ोन पे अपना ट्रांसफ़र चैट का ऑप्शन करके देखा, नहीं हुआ, बैकअप करके देखा, आपका डाटा ही नहीं आया, आपने क्या करना है, उसको वहीं छोड़ देना है, पुराने फ़ोन पे दोबारा जाना है और दोबारा से अपने व्हाट्सएप को लॉगिन कर लेना है। ठीक है, लॉगिन करने के बाद आपकी सारी की सारी चैट्स वहीं पे आ जाएंगी। न्यू फ़ोन से आपने अपना व्हाट्सएप अनइंस्टॉल कर देना है। अनइंस्टॉल करने के बाद आपने ये डाटा जब अपना कॉपी कर लिया, नए फ़ोन के अंदर इसको पेस्ट कर दिया, पेस्ट करने के बाद आपने अगेन अपना नए फ़ोन पे व्हाट्सएप बनाना है, व्हाट्सएप क्रिएट करना है। जब आप क्रिएट करेंगे, ट्रांसफ़र चैट कॉपी नहीं करेगा, बैकअप का ट्रांसफ़र चैट वाला ऑप्शन भी काम नहीं करेगा, बैकअप वाला ऑप्शन भी काम नहीं करेगा, तो आपने बस सिंपली उसको डन करके कंटिन्यू कर देना है। उसमें ये होता है कि आपके नए फ़ोन के अंदर ये जो लोकल बैकअप पड़ा होता है इसको व्हाट्सएप ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है और ये आपका जो बैकअप होता है ये आपकी चैट्स में ऑटोमेटिकली आ जाता है, शो हो जाता है, आपका डाटा ज़ाया नहीं होता। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, मैंने बड़ी डिटेल के साथ सारी बात की है। तीन ऑप्शन मैंने बताए हैं बैकअप के लिए, अगर आपका बैकअप काम नहीं कर रहा, आपका ट्रांसफ़र चैट भी काम नहीं कर रहा, तो ये तीसरा ऑप्शन जो है ये लाजमी तौर पर हर किसी के लिए वर्क करेगा। ठीक है जी, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। ओके, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।